खेरवा टीकरा पंचायत सारुगुद्धि ग्राम। 22 परिवार 120 की संख्या का एक छोटा सा टोला जो झारखंड की राजधानी रांची के प्रसिद्ध जलप्रपात जोन्हा फॉल के 8 किलोमीटर अंदर स्थित है। खेरवा टीकरा का मतलब है खैर घास का टीकरा और टीकरा का मतलब टीला। खेरवा टीकरा गांव के लोग अपनी आमदनी खेतीबाड़ी और वन उत्पाद से करते हैं, लेकिन इसके लिए सबसे बुनियादी जरूरत पानी की है, जो इस गांव के लिए सबसे बड़ी समस्या है। ये गांव पहाड़ियों के बीच में बसी है, इसलिए यहाँ बारिश अच्छी होती है। इसके बावजूद यहाँ से पानी बहकर बाहर निकल जाती है और पानी जमा नहीं हो पाता, क्योंकि यहाँ की स्थलाकृति और जल बचाव की असुविधा के कारण यहाँ गर्मियों में पानी सूख जाता है और गांव के लोगों को 1.5 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। साथ ही साथ मवेशियों को सही रूप में पानी नहीं मिल पाता है। सरकार आजकल बोल रही है जैसे आत्मनिर्भर या तो आत्मनिर्भर गांव कैसे बनेगा, तो अगर आत्मनिर्भर अगर अपने में या तो गांव को बनाना है तो पानी बहुत जरूरी है। चूंकि अगर आपने कुछ धंधा अपनाना चाह रहा है, अगर मवेशी पाल रहे तो उसके लिए भी पानी चाहिए, बतख पालन करना चाह रहा है तो भी पानी चाहिए, मछली पालन करना चाह रहा है तो भी पानी चाहिए, छोटा सा अगर दो चार बतख भी घर में पाले हैं तो यहाँ उसको तैरने के लिए पानी भी नहीं था। शायद इनको मतलब अच्छा से खेरवा टीकरा गाँव के लोग ही जान रहे होंगे। यहाँ पहले पानी नहीं रहता था तो बहुत दिक्कत होता था बैल बकरी का और नहाने धोने का। चालीस साल पहले यहाँ एक तालाब बना था, गुड़ीबंद तालाब, जो कि वन विभाग के द्वारा बनवाया गया था, लेकिन समय के साथ इसमें गाद जमता चला गया, जिससे गांव वालों को इस तालाब का कोई खास फायदा नहीं पहुंच रहा था। गांव के लोग पिछले 7-8 साल से पंचायत में इस तालाब को लेकर आवेदन दे रहे थे, लेकिन किसी ना किसी कारण तालाब बनाने का काम हो नहीं पा रहा था। इस तालाब के लिए हम लोग 7-8 साल से हम लोग विधायक प्रखंड में आवेदन दे रहे थे, लेकिन कोई भी इस तालाब के लिए कोई नहीं सुन रहा था। गांव के लोग अब उम्मीद छोड़ चुके हैं। समय बीतता चला गया और फिर गांव के एक व्यक्ति को ग्राम एसोसिएशन के बारे में पता चला, जो कि पिछले 1-1.5 साल से इसी क्षेत्र में जल एवं अन्य विषयों पर काम कर रही है। पिछले साल रासाबेड़ा का काम जब हम लोग ख़त्म किए और उसी दौरान क्या हुआ था, ये गांव के बारे में पता चला था जहां पे पानी की समस्या थी, और जो हमारे ग्राम के अन्य कार्यकर्ता हैं उनसे गांव वालों ने, खैरवा टीकरा गांव के लोगों ने संपर्क साधा और उन्होंने बताया कि यहां पे काफ़ी समय से पानी की समस्या चल रही है और काफ़ी समय से ये लोग प्रखंड में और अन्य जगह पे आवेदन दे रहे हैं। करीब करीब इन लोगों ने बताया 7-8 साल हो गए इन लोग को आवेदन देते हुए, मगर कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। 29 मई 2020 ग्राम एसोसिएशन ने अपना काम शुरू किया। यह काम बड़ा था और इसके लिए बड़े फंड की आवश्यकता थी, और इसलिए ग्राम एसोसिएशन ने बेयरफुट कॉलेज तिलोनिया के साथ मिलकर काम करने की शुरुआत की। तो इसके लिए राजस्थान से तिलोनिया संस्थान जो है, SWRC तिलोनिया या बेयरफुट कॉलेज भी उसका कहते हैं, तो वहाँ से फिर हम लोगों ने संपर्क किया और उन लोगों ने कहा कि हाँ इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाएं। अभी देश कोरोना के महामारी से गुजर रहा था और गांव इसके साथ पानी की समस्या से भी जूझ रहा था। हम
राजस्थान संस्था को धन्यवाद देना चाहेंगे इस COVID-19 में भी इस तालाब को खोदने के लिए मदद किए। और चूंकि तालाब जब खुदाई शुरू हुआ था उस समय वर्षा भी मतलब शुरुआत होने वाला था और हम लोगों ने गांव वालों के साथ मीटिंग किया और गांव वाले तैयार भी हो गए। बारिश आने वाली थी, ऐसे में पहाड़ से उतरने वाले पानी को एक जगह इकट्ठा करने की जरूरत थी जहां वो जमा हो सके और गर्मी के सूखे मौसम में भी गांव और उनके मवेशियों के लिए पानी की कमी ना हो। और इसलिए ग्राम एसोसिएशन पूरे गांव के लोगों के साथ मिलकर सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए काम जारी रखा। गांव के आदमी औरत सभी जोर शोर से काम में लग गए थे, ये उनके लिए बहुत खास था। हम लोग भी सोच रहे थे कि पता नहीं हो पाएगा नहीं हो पाएगा, लेकिन कुल मिलाकर के हम लोग उसमें गांव वालों के साथ में बैठे, बजटिंग किए कितना उसमें मजदूरी में कितना लगेगा, पत्थर कितना लगेगा, फिर गांव का क्या सहयोग होगा, उनके साथ में मीटिंग कई दौर का मीटिंग चला। फिर एक दिन लास्ट मीटिंग बैठे, उसमें पूरा महिलाएं हमारे साथ में बैठी, पुरुष बैठे, बच्चे भी बैठे। फिर सबका उसमें रहा कि उनका श्रमदान योगदान रहेगा, पत्थर का योगदान पूरा गांव की ओर से रहेगा और कुछ श्रमदान महिला पुरुष सब मिल करके भी उसमें काम करेंगे तालाब में, इस तरह का प्लानिंग हम लोग किए। 5 जून 2020 पूरे गांव ने मिलकर तालाब के किनारे पेड़ लगाकर विश्व पर्यावरण दिवस सेलिब्रेट किया। गांव के लोग रात दिन काम में लग गए थे। जब हम लोग ये काम शुरू कर रहे थे तो उसके कुछ ही टाइम बाद बरसात का मौसम शुरू होने वाला था, तो हम लोग को ये काम को लेकर के थोड़ा घबराहट भी हो रहा था कि एक बार हम लोग शुरू कर दें खुदाई का काम और उसके बाद फिर बारिश हो जाए तो सब बहुत मुश्किल हो जाएगा उसके बाद। तो उस वक्त हम सुबह सुबह उठ के पहले वेदर रिपोर्ट चेक करके फिर माया भाई को फ़ोन करते थे कि आज तो बरसात दिखा रहा है, कैसे होगा क्या होगा। तो फिर उसी में हम लोगों ने शुरू किया काम को और आगे बढ़ाया। 29 जून 2020 एक महीने की कड़ी मेहनत के बाद आज का दिन गांव वालों के लिए बहुत ही खुशी का दिन था। आज काम पूरा हो गया है, इस तालाब में 64,68,000 लीटर पानी जमा हो सकता है। 150 फीट लंबा, 150 फीट चौड़ा और 13 फीट गहरा ये तालाब अब आने वाले गर्मियों में पानी की समस्या को दूर करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। ग्राम एसोसिएशन के इस कार्य से कोविड के समय में कुछ गांव वालों को रोजगार भी मिला। इस प्रोजेक्ट में 20 महिलाएं 13 पुरुष ने मिलकर 7 दिन तक लगातार काम किया, जिसके लिए उनको भुगतान भी किया गया। ग्राम एसोसिएशन के इस कार्य को खेरवा टिकरा के लोग हमेशा याद रखेंगे। नमस्ते जोहार साथियों, एक बार फिर से मैं मंगेश झा आप सब लोगों के सामने, और जैसा कि शशांक, मायादा और केरवा टिकरा के समस्त ग्रामवासी मिलके यहाँ पे एक तालाब के ऊपर में काम किया गया जो कि पिछले 10 सालों से ऐसे ही पड़ा हुआ था और ये काफ़ी वरदान बन के आएगा आने वाले समय में। और इसी के संदर्भ में हम लोगों ने केरवा टिकरा में रासाबेड़ा के बाद इस प्रोजेक्ट को हम लोगों ने ख़त्म किया और साथ ही साथ आज यहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा उपलब्ध है गांव वालों को। ये सिर्फ एक पानी का स्रोत नहीं होगा, ये रोजगार का भी स्रोत खोलेगा। मैं एक बार फिर से हृदय से अभिनंदन और आभार व्यक्त करता हूँ मायादा, समस्त ग्रामवासी, शशांक भाई और ख़ास तौर पे बंकर जी को भी मेरा बहुत बहुत हृदय से अभिनंदन, बेयरफुट कॉलेज को भी हृदय से अभिनंदन कि आप लोग भी आगे आएँ और इस पूरे प्रोजेक्ट को स्पॉन्सर करा। और मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में हम सब युवाओं को एक साथ एक स्वर में जलवायु परिवर्तन के लिए काम करना है और छोटे छोटे प्रोजेक्ट के माध्यम से हम लोगों को इस काम को अंजाम देना है। एक बार फिर से तो इन सब के जोहार नमस्ते, फिर हम इन सब मिला बहुत जल्द एक विशेष प्रोजेक्ट के लेके। और इटाई कहवाएं जे जल है तो जीवन है, सो प्लीज सेव एवरी सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर। थैंक यू फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू।